ये मैंने गेहूं का आटा ले लिया है थोड़ा सा बाटी बनाने के लिए। अब इसे हम सूजी डालेंगे। अब मैंने आटा गेहूं का आटा डाल लिया, इसमें हम थोड़ा सा सूजी डाल देते हैं बाटी बनाने के लिए। ये राजस्थान का डिश है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। एक चम्मच नमक डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर जो मैंने भून कर दरदरा पीस लिया है। और इसमें हम डालेंगे अजवाइन, इसको इसमें डाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। अब हम इसमें घी डाल रहे हैं। मैंने आधा कटोरा घी इसमें डाल दिया है। डालकर अच्छी तरीके से इसको हम आटा को मिक्स करके आटा को गूंद लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल आटा लगाते हैं, लेकिन इसका आटा थोड़ा टाइट लगाएंगे। पूरी जैसे आटा टाइट लगता है, उसी तरीके से इसका आटा हम थोड़ा टाइट लगाएंगे। बंद जा रहा है। आटा गूंदकर तैयार हो गया, बिल्कुल आटा को टाइट रखा है। अब इसको हम ढक देते हैं थाली से। मैं इस तरीके से गोल गोल लोई बना ले रही हूँ। आटा सेट हो चुका है। पहले हम इस तरीके से ऐसे गोल कर लेते हैं। देखिए अच्छी तरीके से मैं इस तरीके से गोल कर ले रही हूँ। इसे हम छेद कर देते हैं। और ये मैंने बाटी को रखा है गर्म होने के लिए। बाटी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम सभी को सेट करके रख लेते हैं। इसी तरीके हम सभी को बना लेते हैं। सभी को मैंने बनाकर पेड़ी बनाकर रख लिया है। अब इसको हम ढक देते हैं, अब पकने देते हैं। गैस को मैंने लो न ज़्यादा हाई, मीडियम पर रखा है। अब पक रहा है मेरा बाटी, पक रहा है। इसको बीच में अब हम एक तरफ से हम पलट लेते हैं बीच बीच में। ज़्यादा पक चुकी है, इसको हम इस तरफ रख देते हैं, इसको साइड करते हैं। सभी को पलट देते हैं अच्छी तरीके से। अब एक तरफ से हमने पलट लिया है। अब फिर ढक देते हैं, फिर पकने देते हैं 5 मिनट। ये मैंने 250 ग्राम तक मैंने घी ले लिया है। घी को मैं गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छी तरीके से मैं घी गर्म कर लेती हूँ। अब इसमें हम बाटी को डालेंगे। घी हो चुकी है गर्म, देखिए इसमें बबल आ चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे बाटी। बाटी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। स्टैंड पे मैंने रखा है। फिर सभी को उठा कर मैं घी में डालूंगी। मैंने घी ले लिया है। अब मैं सभी बाटियों के इसके अंदर डिप कर देती हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से हम इस तरीके से हम सभी को घी के अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सभी को इसमें डाल देती हूँ। अजी सूखा भी हम इसमें और डालेंगे। एक एक करके अच्छे तरीके से हम घी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको।
काटी हुई मैं इस तरह से इसमें हम डाल देते हैं। ये देखिए सभी बाटियों को मैंने घी में डुबो कर रख दिया है। घी में अच्छी तरीके से ये इसके अंदर चला जाएगा तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगेगा हमारा बाटी। तो ये देखिए दाल बाटी बनकर घर में तैयार है। तो आप इसी तरह खाइए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल बाटी। तो इसके लिए मैंने ये पांच प्रकार का दाल ले लिया है। इसको पांच तंत्र का दाल बोलते हैं। तो इसलिए मूंग मसूर का दाल ले लिया है, खड़ा मूंग का दाल, उड़द का दाल, रहर का दाल, चने का दाल मैंने भी बो लिया है। अब इसको हम कुकर में डाल देंगे। सभी दाल को इसमें हम डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, हल्दी डाल के नमक डाल के और इसको हम पका लेते हैं। मैंने दो पानी से दाल को धो लिया है अच्छी तरीके से और इसमें मैं पानी डाल देती हूँ डेढ़ दो गिलास है, क्योंकि दाल अच्छी तरीके से पककर तैयार हो जाएगी। और मैं दाल इसलिए भी बोया है कि जल्दी हमारी दाल पककर तैयार हो जाएगी और अच्छी लगेगी। ये तो बहुत ईजी है घर में बनाना, ये तो हर कोई बना लेता है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, डालेंगे प्याज, टमाटर थोड़ा सा भून लेते हैं प्याज को। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देते हैं। इसमें इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी। अच्छी तरह से हम भून लेते हैं मसाले को। देते हैं ये दाल हमारी बनकर तैयार है। देखिए कितना सुंदर कितना बढ़िया दाल बनकर तैयार है। एकदम खड़ी खड़ी दाल बहुत टेस्टी का बहुत बढ़िया है। आप इसको रोटी के साथ, चावल साथ, किसी चीज़ के साथ आप इसको ऐसे भी बना के आप खा सकते हो। इतना बढ़िया दाल बनकर हमारा तैयार हो चुका है।